Good morning, all of you. My name is Manoj sir. I am from Prince School. Today I am taking Mathematics of Standard 7, some basic topic like LCM. LCM means least common multiple. What is the meaning of LCM? Least common multiple. How to find LCM? Example: 220 and 80. Okay. How we make the LCM of 220 and 80? First of all, we have to mix a column 220 and 80. Common factor 2. सबसे small prime number है 2 है, तो हम सबसे पहले देखना है 2 में जाएगी. अगर 2 में नहीं जाता, 2 common factor नहीं है, तो 3 में देखना है. तो पहले 2 में जाएंगे, तो 220 2 में जाएगा, तो 110 80 का 40 रहेगा. फिर से 2 common factor है 55 and 20. अब नेक्स्ट देखना 55 2 में दे जाएगी. नेक्स्ट 20 देखना, 22 का टेबल में जाते हैं, 20 का फैक्टर है 2, तो हम ये 2 में कर सकेगा. तो इधर हम 55 नहीं जाएगा, तो 55 ऐसे ही हम लिखेंगे, और 20 10 2 सा 20. नेक्स्ट स्टेप 55 2 में नहीं जाएंगे, लेकिन 10 2 में जाएगा, तो 2 55 ऐसे ही हम नीचे लिखेंगे, 5 2 सा 10. नेक्स्ट 55 and 5, उसका कॉमन फैक्टर रहेगा 5 में जाएगा, 11 5 सा 55, 1 5 सा 5. अब 11 and 1 है, 11 का कॉमन फैक्टर 11 आएगा, 11 1 सा 1, 1 1 सा 1. अब हम उसका LCM फाइंड करने के लिए, LCM इज इक्वल टू जितना भी फैक्टर हमको इधर मिला है वो सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11. 2 2 4 4 2 4 8 8 2 4 16 16 5 4 80 80 11 4 880 हमको इधर LCM मिला है. LCM of 220 and 80 is, so हम लिख सकते हैं LCM of 220 and 80 is equal to 880.